मेरा आधी कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर होगा तुम लोग अपने राजमहल में लौट जाओ, जहां पे दासियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए। जाओ। नहीं श्रीमान, आप जैसे गुण और ज्ञानी से तो हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। हमें कृपा करके बताइए मेवाड़ की समस्या हम कैसे। एक विचार बार बार मुझे परेशान करता है कि तुम जैसा अज्ञानी और भावुक व्यक्ति आने वाले समय में मेवाड़ की राजगद्दी पे विराजित होगा। ये बच्चा जो गुफा में फंस गया था, यदि बालक शक्ति ने मुझे ना बुलाया होता और मैं समय रहता यहां ना पहुंचा होता तो संभव था तुम्हारे दल के इस सदस्य के प्राण निकल गए। किस प्रकार के लापरवाह नेता हो तुम। हम इन गुफाओं में पहली बार आए श्रीमान, हमें इतना कुछ नहीं पता था। राजा के बेटे हो, राजगद्दी पे हक है तुम्हारा, राजा भी बन जाओगे। अगर किस प्रकार के राजा, जिस प्रकार तुम गुफा के बारे में कुछ नहीं जानते, साथी मरते हैं तो मरे, उसी प्रकार प्रजा मरती है तो मरे, कैसा होगा वो राजपाट और कैसे होगे राजा तुम। हैं इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुमने कभी इनके बारे में सोचा नहीं, मगर मैं जानता हूं। अज्ञानी, भाव, ईर्ष्यालु, अहंकारी राजा, बहुत जल्दी तुम्हें युवराज बना दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा हक है, इसलिए बिना शिक्षा दीक्षा के तुम राजा भी बन जाओ। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ का। ईश्वर ही रक्षा करे मेवाड़ की। तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बनाऊं। राजन, दक्षिणात्य राजकुमारों को शिक्षा देने के बाद हमें इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई कि पीढ़ियों तक आनंदित जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए फिर हमने शिक्षण से संन्यास ले लिया। किंतु जब हमें इस बात का पता चला कि आप कुंवर प्रताप के लिए योग्य गुरु की खोज कर रहे हैं, इसलिए फिर हमने संन्यास त्याग कर फिर से शिक्षण के लिए मानस बना लिया। संन्यास लेने के बाद फिर उसका त्याग क्यों आचार्य जी? ऐसा इसलिए राजन कि जैसे आपको योग्य गुरु की खोज रहती है ना, उसी तरह से हमें योग्य शिष्य की खोज रहती है। ऐसा शिष्य जो हमसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब इतिहास में गौरव और कीर्ति से अमर हो, तो उसके साथ साथ हम भी इतिहास में अपना छोटा सा स्थान प्राप्त कर लें। आचार्य जी, आपने हमारे पुत्र के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, हम आपके मन से आभारी। आप सभी आचार्य राजमहल में आके राजमहल का जो मान सम्मान बढ़ाए, उसके लिए मैं मेवाड़नाथ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत शीघ्र ही मेवाड़नाथ जब इस विषय पर अपना निर्णय सुना देंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। हुकुम, किन्हें चुना आपने कुंवर प्रताप और बाकी राजकुमारों के लिए? किसी को नहीं, परंतु हुकुम, ये राजपूताने के ही नहीं, सारे भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। आप सच कह रहे हैं, पर इनकी ख्याति कुंवर प्रताप को बांध नहीं पाएगी। कुंवर प्रताप को परंपरागत परिपाटी से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने की भूख, और परंपरागत परिपाटी का अनुगमन करने वाले ये विद्वान ना तो स्वयं इस परंपरा से कभी बाहर निकलेंगे और ना ही कुंवर प्रताप की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। और वैसे भी जो गुरु अपने शिष्य के गुणों से इतना प्रभावित हो, वो अपने शिष्य को सही मार्ग क्या दिखाए।
ये तो अभी से कुंवर प्रताप का स्तुतिगान कर रहे हैं। अतीत की भांति भविष्य में जब हमारी मातृभूमि के लिए कुछ करने का समय आएगा तो आप अपना सर्वस्व लुटाने वालों की पंक्ति में अग्रणी होंगे। मेवाड़ पे आने वाला संकट हो तुम अज्ञानी भव ईर्ष्यालु अहंकारी राजा, धीराज लीजिए आप यहाँ हैं और वहां रानी मासा पूरे महल में आपको ढूंढ रही है। गिरजा जी, आप रानी मां से जाके कह दीजिए हम उनसे कुछ देर बाद मिलते हैं। और बावजी राज खाने के समय पधार जाइएगा क्योंकि छोटी मासा ने राज रसोइये से कहकर आपके मन पसंद पकवान बनवाए हैं और काफी देर से आपने कुछ खाया भी नहीं है। हमें भूख नहीं अभी। ऐसा क्यों कुंवर प्रताप, आपको भूख नहीं है? आप कुछ खाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम इस योग्य नहीं है रानी माँ। इन मनुहारों के, इन पकवानों के ऐसा किया क्या है हमने? क्या हुआ, क्या बात है बेटा? हुआ ये है रानी माँ, सब लोग हमसे झूठ बोलते हैं। राजी राज दरबारी छोटी माँ लोहार हमारे मित्र सब लोग कहते हैं कि प्रताप आप महान है, प्रताप आप सर्वश्रेष्ठ है, प्रताप आप ही है जो आने वाले कल में मेवाड़ के भविष्य। सब झूठ, सब झूठ। हमें तो ये कहते हुए डर लगता है रानी माँ, पर हमारे पूर्वजों तक ने हमसे छूट कहा, उठाने दी थी उन्होंने ये अपनी खानदानी तलवार हमें। क्यों इन्होंने हमें झूठा विश्वास दिया कि हम महान हैं? क्यों माँ हम इतने नासमझ कैसे हो गए? जिसे ढंग से तलवार तक पकड़नी नहीं आती वो स्वयं को वीर मानने लगा है। ना खोखला आत्मविश्वास, हम मेवाड़ के भावी राजा बनेंगे, कैसे करेंगे हम मेवाड़ के रक्षक? नहीं, हम तो केवल एक साधारण सिपाही जितने भी नहीं, हम मेवाड़ के राजा बनने के योग्य तो है ही नहीं माँ। हमें कुछ नहीं आता माँ। कोई भी सफलता अंतिम सफलता नहीं होती और ना ही कोई असफलता किसी यात्रा का अंत। आप बार बार वही भूल दोहरा रहे हैं। सफलता के मद में अभिमान करना भी भूल है और असफलता के दुख में एकदम से निराश होना भी भूल है। तो फिर हम क्या करें रानी माँ?
जो सच है उससे आंख मिलाना सीखी। साहस से आगे बढ़ोगे तो जीत भी आपको कुछ सिखाएगी और हार भी आपको कुछ सिखाएगी। किससे मिले थे आज आप? हम एक आचार्य से मिले थे। हम गुफा में गए थे रानी माँ। आचार्य जी ने हमें पहली बार दर्पण दिखा दिया। उन्होंने हमें सिखा दिया रानी माँ कि जो अपनी प्रशंसा को सच मानकर उसमें डूब जाता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उनकी वजह से हमें समझ आ गया माँ कि किसी भी दायित्व को अपने कंधों पर उठाने से पहले हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। यही नियति का सच्चा न्याय है कुंवर प्रताप। जिस समय आपके दाजीराज आपके लिए योग्य गुरु ढूंढ रहे हैं उसी समय विधाता ने आपको ऐसे आचार्य से मिलवा दिया जो आपके ज्ञान की भूख, विचारों की भूख और समझ की भूख को मिटाकर आपको सही मार्ग दिखाए। ऐसे ही होते हैं वे जिनको आदर्श गुरु कहा जाता है। क्या ऐसा सच में है रानी माँ? चलिए निकले इस निराशा से बाहर। देखिए सामने जीवन का नया अध्याय है, पढ़िए उसे। राणा जी, घनी खम्मा, हमें लगता है कुंवर प्रताप अपने आदर्श गुरु से मिल चुके हैं। अपनी पहली छोटी सी भेंट में ही इन गुरुवर ने कुंवर प्रताप को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे डाली है। अब समस्या बस इतनी है कि कुंवर प्रताप को न तो इनका नाम पता है और न ही निवास। आप उन्हें ढूंढ ले तो ये आचार्य प्रताप के लिए सर्वथा योग्य गुरु साबित हो सकते हैं। सुल्तान सिंह जी, हुक्म। अब हमें आचार्य खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। रावत जी से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे लिए किसी को खोजना है। हुक्म। जाइए। सारी तैयारियां हो गई है ना? हमें तो तीज के त्योहार में बड़ा ही आनंद आता है और किसी त्योहार में आता ही नहीं। जितना सजना है, सवरना है, सवर लो, लाली सुरमा सब लगा दिए हमने। क्या बात है, क्या बात है बेना। तीज का त्योहार तो हर वर्ष आता है और हम तो इसी आस में हर वर्ष सजते हैं, सवरते हैं, इतना कुछ करते हैं कि चलो राणा जी इस वर्ष तो हमारे साथ तीज मना ही लेंगे। पर क्या करें, उनकी आपसे नजर हटे तब तो वो हमें देखे। किसे देख रही हैं आप? कुकुया जी। या जी जी महारानी साहब, एक बार हमारा श्रृंगार देख लीजिए ना। हम अभी तैयार होके आते हैं जीजा। हाँ बहना, चलिए। या जी, आचार्य वाली बात आगे बढ़ी। मेवाड़नाथ कई आचार्यों से मिल चुके थे पर अब तक किसी का चुनाव नहीं किया है उन्होंने। जीजा ने प्रताप को युवराज घोषित करने से पहले उनके किसी योग्य गुरु से शिक्षा वाली बात रखकर अनजाने में हमारी सहायता की है। अब हमें आगे क्या करना है सोचने का समय मिल गया है। कोई हमसे पूछे ना याची, आचार्य मिलने में जितना समय लगेगा उतना ही लाभ होगा हमारा। महारानी जयवंता बाई पधार रही हैं। आपने क्यों कष्ट लिया जीजा? हमने कहा था ना कि तीज की सारी तैयारियां हम और सज्जा जीजा कर लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है बेना। हम यहाँ इसलिए नहीं, किसी और काम से आए हैं। बेना सज्जा, हम खास आपको ये बताने आए हैं कि हमारे राजकुमारों के लिए योग्य गुरु का चुनाव हो गया है। अरे वाह जीजा,
ये तो बड़ा ही अच्छा समाचार दिया आपने इस शुभ अवसर पर। पर वे है कौन और कब से देना शुरू कर रहे हैं वो शिक्षा हमारे पुत्रों को? कौन है ये तो हमें भी नहीं पता चला, पर चुनाव हो गया है, ये है महत्वपूर्ण बात। हमें तो इस बात का भी संतोष है कि कुंवर प्रताप अब समझदारी के साथ साथ अपना बचाव करना भी सीख जाएंगे। बिल्कुल जीजा, बहुत आनंद हुआ हमें ये सब सुन के। हम चलते हैं। अब कुंवर शक्ति भी प्रशिक्षित योद्धा बन जाएंगे। बेटा हम कितने खुश हैं कि बस खुशी के मारे भाई तो सांस ही भूली जा रही है। सांस भूलने वाली खुशी तो तब होगी ना जीजा, जब प्रशिक्षण के बाद गुरुजी ये कह दे कि कुंवर शक्ति को ही भावी राजा घोषित कर दिया जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं बहन? आप हमारे साथ परिहास कर रही हैं। परिहास क्यों जीजा? हमने तो राणा जी को भी यही कहा था कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। मानते हैं प्रताप ने किले पर मेवाड़ी ध्वज फहराया, पर इससे वो कल के मेवाड़ के राजा? ये तो बड़ा निर्णय है ना जीजा। हमें लगता है कि सारे राजकुमारों को बराबर अवसर मिलना चाहिए, जो सबसे योग्य हो उसे चुने मेवाड़ का भविष्य। इतनी हड़बड़ी क्या है निर्णय लेने में? मेवाड़ के भविष्य की बात है ना। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही बहना, एक कुंवर शक्ति भी युवराज घोषित किए जा सकते हैं। सज्जा बाईसा के मन में उनके शक्ति के लिए संभावनाओं का ये जो बीज हमने बोया है, समय आने पर ये बीज बड़े मीठे मीठे फल देगा। महाराज आपके आज्ञानुसार हमने सभी राज्यों से संपर्क किया है और उन्होंने अपनी एक सूची भेजी है जो हमने इसमें अंकित कर ली है। क्षमा करें दाजीराज, हम कुछ देर बाद आ जाएंगे। रुकिए कुंवर प्रताप, आप अंदर आ सकते हैं। सुल्तान सिंह जी, क्या बात है कुंवर प्रताप? कुछ नहीं दाजीराज, हम कुछ देर बाद आते हैं। पहले तो आप यहां हमारी चल रही महत्वपूर्ण मंत्रणा के बीच बिना पूर्व आज्ञा के आ जाते और फिर पूछने पर बिना संतोषजनक उत्तर दिए जाने लगते। आखिर बात क्या है कुंवर प्रताप? अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। राजीराज, हम वो सब सीखना चाहते हैं जो हम नहीं जानते। हथियारों की बातें, वेद पुराण की बातें, जिनको आज हम किसी भी योग्य नहीं लगते, कठिन परिश्रम से हम उनके मन में भी अपने लिए स्थान बना लेंगे दाजीराज। इसीलिए नहीं, क्योंकि हम आपके पुत्र हैं। हम अपनी क्षमताओं से देश की सेवा करना चाहते हैं दाजीराज। कुंवर प्रताप, शीघ्र ही आपको ये सब जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, सीखने का अवसर मिलेगा। हरी खम्मा राणा जी। आइए रावत जी। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप और अन्य राजकुमारों के प्रशिक्षण हेतु जिन गुरु को खोजने का उत्तरदायित्व आपने हमें सौंपा था, एकलिंग नाथ जी के आशीर्वाद से हमने उस उत्तरदायित्व को पूर्ण किया है। बहुत अच्छे रावत जी, बहुत अच्छे। बताइए उनके बारे में। राणा जी, उनका नाम है आचार्य राघवेंद्र। वंशावली उनकी निर्बाध रूप से रघुकुल तक जाती। वेद पुराणों के प्रचंड ज्ञाता, सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को संचालित करने में पारंगत होने के साथ साथ वो धनुर्विद्या के भी ज्ञाता है। अपने मन आत्मा और शरीर को एकाकार करके आचार्य जी बड़े से बड़ी चट्टान को अपने हाथों से हिला सकते हैं। राणा जी,
इस समस्त राजपुताने में उनके जैसा गुणी आचार कोई दूसरा नहीं हो। रावत जी, राजपुताने के इतने गुणी आचार्य के बारे में आज तक हमने सुना क्यों नहीं? वो इसलिए राणा जी, क्योंकि आचार्य राघवेंद्र सदैव जंगलों और गुफाओं में ही रहते हैं, और हाँ, अपने शिष्य का चयन वो स्वयं करते हैं। जब ऐसे बच्चे बनने वाले हैं राजा मेवाड़ के, तो क्या होगा भविष्य मेवाड़ का? तुम जैसे को तो कभी मैं अपना शिष्य ना बनाऊं।